असलम जी मेरा नाम आरफ फारूक है एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ प्रकिस विस्पर कल इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा मैच है और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी विल गेट टू नो अबाउट दैट टुमारो लेकिन ये मैच को में है अब फोरकास्ट अगर देखी जाए तो बारिश हो रही है आज इस बारे में भी बात करेंगे और आ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इस गेम से आज इस वीडियो में सारी बात करेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरी ये वीडियोज़ देख रहे हैं आई वुड रिक्वेस्ट दैम टू टेक अ फ्यू सेकेंड्स आउट ऑफ देयर टाइम एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं आपके लिए वीडियोस में भली बनाता रहूं लेकिन वो आपकी फीड पे नहीं आते रहेंगी तो काइंडली आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो प्रेस करें तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कल पाकिस्तान का सुपर फोर स्टेज का सेकेंड मैच है विट इज अगेंस्ट देयर राइवल इंडिया was about to say the mighty India, लेकिन in my opinion अब वो इंडिया उस तरह की mighty team रही नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान Uh, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है इट्स एक्सेप्शनल और ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग अटैक है आई मस से और इस वक्त उनके पास हमारा जो बॉलिंग अटैक है uh, जो हमारा जो ट्रियो है नसीम हारिस और शाहीन का दे कैन चैलेंज एनी बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड राइट नाउ बी इट इंडिया जो कि मज़बूत बैटिंग लाइनअप है या किसी और दुनिया की टीम की हो तो पाकिस्तान की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग नजर आ रही है और हम लोगों ने जिस तरह से पहले मैच में जो कि वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट इंडिया uh, वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ऑल दो पाकिस्तान टीम जो है वो मिडल ओवर्स में uh, उन्होंने काफ़ी रन जो है वो लीक किए लेकिन हमारी फास्ट बॉलिंग ने उस मैच में भी अपना लोहा मनवाया था और उससे uh, और आई होप कि कल का जो मैच हो रहा है उसमें भी अपना लोहा मनवाए पाकिस्तान टीम की अगर बैटिंग की बात की जाए तो हमारे ओपनर जो है फ़खर जमान ही इज़ अ बिट स्ट्रगलिंग ऑल दो उनको स्टार्ट मिल रहा है एंड ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर लेकिन वो अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सक रहे इन टू बिगिनिंग्स जो considering कि अलार्मिंग है कंसिडरिंग के आगे इंडिया के साथ कल मैच है उसके बाद पाकिस्तान अगर जीत जाता है या पाकिस्तान अगर अपने बाकी के मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान विल क्वालीफाई फॉर द फाइनल्स ऑफ द एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो वो थोड़ा सा जो है वो अलार्मिंग लग रहा है लेकिन हमारी बैटिंग का स्टार्ट जो है उनके पार्टनर इमाम उलहक, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल तो एक ओपनर हमारा परफॉर्म कर रहा है दूसरा ओपनर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है फिर नीचे बाबर आजम आ जाते हैं ही इज़ ही इज़ अ मॉडर्न डे लेजेंड उनके बारे में कोई बात करना जो है वो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है उसके बाद जो है वो चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है पाँचवें पे अगर इफ्तार हुए तो इफ्तार आएँगे या नहीं पाँचवें पे हो सकता है कि आगा सलमान आए उसके बाद इफ्तार उसके बाद शादाब तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी लंबी जा रही है लेकिन कल का जो मैच है उसमें अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें सबसे पहले तो जो जो पिच है कोलम्बो की वो दो तीन दिन तक बारिश वहाँ होती रही है और कवर्स भी रहे ऑल तो आज वहाँ धूप निकली है लेकिन वो बारिश की वजह से जो है एक मॉइस्चर जो है वो पिच में ज़रूर होगा तो हमारी टीम जो है देखने वाली बात यह होगी कि हम लोग दो स्पिनर्स के साथ जाएंगे कि हम लोग जो है वो फ़हीम अशरफ जो है उनके साथ और एक स्पिनर जो है लेके जाके और पार्ट टाइमर मोहम्मद इफ्तार के साथ जाएंगे अफ्तार ने पिछले मैच में जो कि बांग्लादेश के, के ख़िलाफ़ था उसमें अच्छी बॉलिंग की उन्होंने तो ये देखने में वाली बात होगी इन माई पर्सनल ओपिनियन इफ द पेचज़ अपट टू वर्ड्स अ स्लोअर साइड तो फिर हम लोगों को स्पेशल uh, स्पिनर के साथ जाना चाहिए जो कि मोहम्मद नवाज़ हैं ही कैन बैट इज़ वेल ही कैन बॉल रिली वेल और शादाब उनके साथ होंगे और आगा सलमान और मोहम्मद इफ्तार तो क, आ, और इफ्तार अहमद जो हैं वो तो स्पिन कर ही सकते हैं तो ये जो है पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग क्या होगी वो कल ही पता चलेगा अगर हम लोग इंडिया की बैटिंग की बात करें इंडिया की टीम की ओवरऑल बात करें तो इंडिया जो है वो इंडिया का ये सेकेंड मैच है थर्ड मैच है सेकेंड मैच वो भी बारिश के नजर हुआ था लेकिन वो डकपथल्यूस मैथड जो है उसके बाद वो एक टी मैच हो गया और वो इंडिया ने बासानी नेपाल के अगेंस्ट जीता तो देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट किस तरह उतरती है अगर स्टार्टिंग हम लें तो रोहित शर्मा शुभ गिल तो होंगे ही उसके बाद वन डाउन विराट कोहली होंगे विराट कोहली जो है उनके बारे में क्या ही बात की जाए ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड रिप्यूटेबल प्लेयर तो वो अब तो अपने दिन परफॉर्म कर सकते हैं थर्ड पर वो होंगे चौथे पे ईशान किशन जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा परफॉर्म किया था वो होंगे पाँचवें पे हार्दिक पांड्या आएंगे आ, इनके बीच में ईशान किशन से पहले जो है आ, वो श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं श्रेयस अय्यर के बाद ईशान किशन ईशान किशन के बाद हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या के बाद शार्दुल ठाकुर अगर वो उनको रखना चाहते हैं अब बॉलिंग थोड़ी सी ज़रा कन्फ्यूजिंग होगी कि आया मोहम्मद शमी को रखते हैं या शार्दुल ठाकुर को रखते हैं जिस तरह आ, की, की फॉर्म मोहम्मद शमी दिखा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी को टीम में होना चाहिए मोहम्मद शमी इज़ अ क्वालिटी बॉलर जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है उन्होंने इंडियन टीम को आ, जो है वो सहारा दिया और आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं इंडियन टीम इनको एक डायरेक्ट इंक्लूजन समझते हमेशा इन्हीं को अपनी जगह जो है वो कुर्बान करनी पड़ती है तो देखने वाली बात ये होगी कि शार्दुल के साथ जो है शार्दुल होंगे या अक्षर होंगे अक्षर पटेल शार्दुल में से कोई एक अगर होता है तो फिर मोहम्मद शामी और बुमराह तो मोहम्मद शामी बुमराह अक्षर और शार्दुल तो फिर मोहम्मद सिराज को जो है वो बिठाना पड़ेगा बट मोहम्मद सिराज भी अच्छे बॉलर हैं तो इंडियन टीम के लिए प्लेइंग एलेवन बनाना इज अ एट बिट डिफिकल्ट पाकिस्तान के लिए ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने, लो ने देखा कि एक सेट टीम है एक जेल टीम है और इन माय ओपिनियन पाकिस्तान जो है वो इस मैच में फेवरेट भी होगा तो ये तो होगी जी क्रिकेट की बात ये तो होगी मैच की बात फेवरेट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन माय ओपिनियन जैसे मैंने कहा कि 55 45 मैं दूंगा पाकिस्तान टीम इज़ अ मच बेटर टीम कंपेयर टू इंडिया वो हम लोगों ने पहले मैच में भी देखा और पाकिस्तान टीम का बॉलिंग इस तरह की बॉलिंग लाइन जिस टीम के पास हो जो पाकिस्तान के पास है वो ऑटोमेटिकली ही फेवरेट होते हैं तो ये तो बात हुई क्रिकेट मैच की अब हम बात करते हैं वेन्यू की तो ईगो इतनी बड़ी है बी -सी -सी की इन माय ओपिनियन कि वो कहते हैं कि, कि किसी तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान की बात माननी नहीं है हम लोगों ने करना वो ये जो हम लोगों का अपना हो उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने सुपर फोर के किसी और मैच में रिजर्व डे नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में रिजर्व डे कर दिया तो इससे तो ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एशिया में एशिया कप में इन दो मैचेस इन दो टीम्स की जो आपस में मैच होगा उसकी वैल्यू है उसके बाद बाकी मैचेस हो ना हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग एशिया कप के जो मैचेस हैं वो सिर्फ इन दो टीम्स के लिए हम लोगों ने सेट करके रख लिया हैं बात बड़ी सिंपल सी है आ, बी सी, -सी आ, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनके एनालिस्ट ने कल रात को इंस्टाग्राम पे एक ट्वीट इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर भी पोस्ट की थी एक स्टोरी पोस्ट की थी उसमें तो कहा था कि यार आप ट्राई सीरीज कर दो अगर आप सबके साथ न्यूट्रल नहीं रह सकते तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो है वो तरीक़ाकार है रिजर्व आपने रख लिया सिर्फ एक मैच के लिए या तो आप सारे मैच के लिए रखें और पूरा हफ्ते जो है वो बारिश है और आई होप कि बारिश ना हो ताकि लोगों को मैच देखने का मिले लेकिन आपने जो रिजर्व डे है रिजर्व डे पे भी बारिश है तो एक तो आप लोगों ने रिजर्व डे रख दिया आप लोग इस चीज को मानते हैं कि बहुत बड़ा मैच है लेकिन रिजर्व डे रखने के बावजूद अगर उस दिन पर बारिश हो जाती है तो जो ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा वो कौन भरेगा जो फैंस ने जो टिकट्स खरीदी हैं उसका नुकसान कौन भरेगा और जो ईगो जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड की ईगो की खातिर हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं इट्स इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बी को सोचना चाहिए कि क्रिकेट सिर्फ उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती क्रिकेट आ, जो है वो बी से बढ़कर पूरे सबकॉन्टीनेंट की पूरी दुनिया की एक गेम है और उनको शर्म आनी चाहिए इस बारे में और ये सब कुछ करते हुए पी सी बी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जब अपनी बात मनवा नहीं सकते तो अपनी बात करने का आप लोगों को फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आप लोगों की बेजती होती है जिस तरह से जका शेफ साहब जो लीक करवा रहे हैं आ, मीडिया में अपना लेटर की जी मैंने जय शाह को लेटर लिखा है और जय शाह को जो मैंने कहा है कि हमें कम्पनसेट करनी भाई किस बात का कंपनसेशन आप लोगों ने आप लोगों की तड़ी नहीं है आप लोगों के अपने बोर्ड में इतनी पॉलिटिक्स चल रही है कि आप लोग अपनी बात रखने की पोजिशन में ही नहीं है तो जब आप अपनी बात रखने की पोजीशन में नहीं है तो खुदा पाकिस्तान का नाम और ख़राब मत करें आ, मैं आज यहाँ प्रडिक्ट रहा हूँ कि जिस तरह से जय शाह ने कहा है कि पाकिस्तान में जी सिक्योरिटी का मसला है और पाकिस्तान में टीम्स को इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सिक्योरिटी का मसला है ये बात 2025 में भी करेंगे और हम लोगों को इसी तरह से जलील किया जाएगा और इसी तरह से हम लोगों को तीन चार मैचेस पाँच मैचेस खैरात में देखे वो कहेंगे कि बाकी मैचेस हम लोगों ने एशिया में कहीं और शिफ्ट करवा रहे हैं ये आप लोग बात लिख लें अगर पीसीबी ने स्टैंड ना लिया तो पाकिस्तान जो है वो Uh, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से भी हाथ जो है वो धोएगा आई होप कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो जागे और आई होप कि हम लोगों के जो uh, करता धरता है वो इस चीज़ को uh, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग करके पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट में सोचें ये आज के आज की छोटी सी वीडियो मैंने एक प्रीव्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनानी थी टीम्स का हम लोगों ने डिस्कस किया पाकिस्तान मेरे नज़दीक फेवरेट है इंडिया की टीम इज़ अ वेरी गुड टीम लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इज़ अ वेरी स्ट्रॉग बॉलिंग लाइनअप एज कम्पेयर टू इंडिया बैटिंग एंड एज कंपेयर टू इंडिया बॉलिंग और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से जल हो के इस कॉन्टेस्ट में उतरी है आई आई वनडर के पाकिस्तान ये मैच हारे और आई वुड बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान जो तो है वो अच्छा परफॉर्म ना कर सके इस मैच में आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आफ्टर uh, द मैच और आफ्टर मैच आफ्टर द मैच जो भी रिजल्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत शुक्रिया